उज्जैन में किसान की फावड़ा मारकर उसके पड़ोसी ने हत्या कर दी। हालांकि पड़ोसी का प्लान उस अपने रिश्तेदार को आरोपी बनाने का था। यह रिश्तेदार मर्डर केस में पैरोल पर जेल से बाहर आया हुआ था, इससे उस पर आरोप नहीं लगेंगे और वह सेफ रहेगा, लेकिन पुलिस उस तक पहुंच गई। 20 मार्च की सुबह भाटपच लाना क्षेत्र के गांव बालोदा लखा में खेत में किसान किशन सिंह राजपूत का शव मिला था। किसान खेत में लहूलुहान अवस्था में पाया गया था। अज्ञात व्यक्ति के द्वारा सिर में गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या कर दी गई थी। जांच में सामने आया कि हत्या किसी बाहरी व्यक्ति ने नहीं की। पुलिस ने इसी बिंदु पर जानकारी निकाली तो पता चला कि पड़ोसी किसान गोविंद सिंह राजपूत ने अपनी मां के नाम पर दर्ज जमीन गिरवी रखवा कर किशन सिंह से 4.5 लाख रुपए उधार लिए थे। इसके बाद पुलिस ने गोविंद को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पहले तो वह पुलिस को गुमराह करने लगा, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने बताया कि किशन सिंह ने पूर्व में भी उसके परिवार की मदद की थी। हालांकि उसके बदले किसान ने 9 बीघा जमीन कम दाम पर खरीद लिया था। जनवरी में ही उसने 2.5 बीघा का अनुबंध कर 4.5 लाख रुपए उधार लिए थे, जिसे वापस देने के लिए किशन सिंह उस पर दबाव बना रहा था।